बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर परिवार सहित विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी के दरबार में पहुंचे, माताजी की पूजा अर्चना की, कन्या पूजन व हवन किया और मां का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे अपने हर काम की शुरुआत माता नैना देवी के दरबार से करते हैं। जैसे जैसे मतगणना की तारीख नजदीक आ रही है, नेतागण भगवान के दरबार में पहुंच रहे हैं। सिर्फ एक दिन का समय अब चुनाव परिणामों के लिए बचा है। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर परिवार सहित विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी के दरबार में पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचकर माता की पूजा अर्चना की, कन्या पूजन किया, हवन किया और माँ का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और दोनों पुत्र भी मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे अपने हर काम की शुरुआत माता श्री नैना देवी के दरबार से करते हैं। अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत भी यहां से की थी और अब जब चुनाव के नतीजे आने वाले हैं तो भी वे माता के दरबार में पहुंचे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि माता रानी का आशीर्वाद निश्चित रूप से उनके साथ रहा है और इस बार भी माता रानी उन्हें जिताकर संसद में भेजेगी और वे जीत का चौका लगाएंगे। मुझे लगता है मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जब मुझे टिकट भी मिला चौथी बार चुनाव लड़ने का, तब भी पहला कार्यक्रम महिला मोर्चा का सम्मेलन श्री नैना देवी जी मंडल का यहीं पर हुआ और माँ का आशीर्वाद उस समय भी मिला। और चुनाव खत्म करके जब मैं अपने परिवार सहित आया तब भी माँ नैना देवी के दरबार में आया। माँ की कृपा सदा मुझ पर रही, पहली तीन बार भी रही, चौथी बार भी रहेगी और अब जीत का चौका भी लगेगा माँ के आशीर्वाद से। एग्जिट पोल के नतीजों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके मुकाबले में कोई भी नेता आज की तारीख में नजर नहीं आता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन के पास कोई ऐसा नेता है जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके, क्योंकि ज्यादातर नेता भ्रष्टाचारी हैं या बेल पर हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की नीतियां, उनके द्वारा चलाए जा रहे अभियान, लोगों में भारी उत्साह चुनाव के दौरान देखा गया, जो कि निश्चित रूप से अब चुनाव परिणाम बदलने वाला है। कहना है कि देश के लोगों ने मन पहले बना रखा था, क्योंकि मोदी जी वर्सेस कौन, कोई भी नहीं था विकल्प। कोई एक नेता नहीं दे पाए, ना विपक्ष दे पाए, ना कांग्रेस दे पाई, और जो आए भी आगे उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, कई लोग बेल पर बाहर थे। तो मोदी जी का जो व्यक्तित्व था उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाया। मोदी जी की सरकार की जो नीतियां, कार्यक्रम और उपलब्धियां थी उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाया। जिन्होंने 55 साल राज करके केवल अन्याय किया हो, जब वो न्याय की बात करने लगे तो उनकी पार्टी के लोगों को उसके ऊपर विश्वास नहीं था। स्वयं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष न्याय स्कीम को ढंग से नहीं रख पाए, क्योंकि वो खुद ही उसको समझ नहीं पाए थे, तो लोगों को कहां समझा पाते। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अंतर है कि मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, चाहे 2000 रुपया किसानों के खाते में हो, करोड़ों महिलाओं को रसोई गैस का चूल्हा हो, या नौजवानों के लिए स्टार्टअप इंडिया से लेकर स्किल इंडिया कार्यक्रम हो, और देश को सुरक्षित रखने के लिए भी नरेंद्र मोदी जी ने जो करके दिखाया वो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। अब सेना ने भी कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार हुई तो मोदी सरकार में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया।